वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स पार्ट अपना है 6th चैप्टर है मोशन इन ए लाइन, थर्ड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। सेकंड हो गया था, फर्स्ट अपन ने शुरू नहीं किया क्योंकि थ्योरेटिकल था। सेकंड मेजरमेंट वाला हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट। तीसरा है वो आधा हो गया अपना, कौन सा है मोशन इन ए लाइन काइनेमेटिक्स का। तो देखो इसके अंदर अपन ने कर लिया था लास्ट में डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब लगातार देखते आ रहे हो तो अपने अगले पार्ट समझ में आएंगे क्योंकि रिलेटेड ही होंगे सारे, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो पहले पीछे वाले पार्ट देखना कंपलसरी। अब आज जो पढ़ेंगे वो है अपना डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को अपन टाइम के लॉन्ग ग्राफ में डिवाइड करेंगे। जैसे अपने पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस जो है टी को शो करिए टाइम को, और वाई एक्सिस है उस पर अपन ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये इस ग्राफ की जो अपनी लाइन है जो थीटा एंगल बना के जा रही है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं और इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं वो देखो। ये जो थीटा एंगल है इसका जो टेंजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब है ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना हुआ झुका हुआ है, यहाँ पे अपना टी है, टी के लॉन्ग कितना झुका हुआ है। ठीक है, ये होता है उसका स्लोप। इसकी वैल्यू होती है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब यही देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल वाई ओवर डेल एक्स, या जब इंस्टेंटेनियस की बात हो या कोई छोटी बिल्कुल इंस्टेंट टाइम की बात हो तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, कौन कौन सी एक्सिस है, वहाँ पे तो वाई और एक्स एक्सिस की बात है। अब अपने पास कौन सी एक्सिस है, एस और टी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई एक्सिस पे अपना एस और एक्स एक्सिस पे अपना टी। ठीक है, ये अपनी स्लोप डी एस ओवर डी टी, जहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट और टी क्या है टाइम। यही टर्म अपन ने किस में प्रूव की थी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, ये भी देखा था अपन ने। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या पता चला है, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, जो ये शो करता है कि इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने की वजह से जो ग्राफ का स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, यानी इसका जो टेंजेंट होता है वो क्या करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेंजेंट या स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हर पॉइंट पे ये थीटा एंगल क्या है, इक्वल है। हर पॉइंट पे थीटा एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है कि वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। यानी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, बढ़ती हुई और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड में रहेगी, आगे समझो, बढ़ती हुई नहीं कॉन्स्टेंट रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन एंगल थीटा। देखो किस टाइप से डिपेंडेंट है, आगे देखो। पहले अपन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे थीटा एंगल से किस प्रकार डिनोट करते हैं इसको। तो देखो अगर ये पास ये ग्राफ है, अगर जहाँ पे ये एस अपना डिस्प्लेसमेंट, ये अपना टाइम, यहाँ पे पाँच मान लो 15 टाइम अपने सेकंड में ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपना मीटर में है 5 या 10। ठीक है,
अब बोले अपने पास तीन रीज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों रीज़न के अंदर ग्राफ की स्लोप निकालते हुए वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगी, देखो फर्स्ट रीज़न की बात करें तो स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से। यहाँ पे y2 कितना है 10, y1 0, y2 की वैल्यू 10 है और यहाँ पे 0, यानी 10 माइनस 0 और x2 की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे 0, तो 5 माइनस 0 यानी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड। यानी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है और पॉजिटिव है। सेकंड में देखो, सेकंड में एंगल बना रहा है थीटा, सेकंड के अंदर देखो कितनी आएगी, वही y2 माइनस y1 से निकालोगे तो यहाँ पे y2 कितना है, y की वैल्यू 10 ही रह रही है, ठीक है। इस पूरे ग्राफ में y की और y2 और y1 की वैल्यू क्या रह रही है, 10 रह रही है, यानी 10 माइनस 10 और x2 की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे 5, यानी 0/10 यानी 0 मीटर पर सेकंड। एक्स एक्सिस पे वैल्यू बढ़ी है, वाई एक्सिस पे वैल्यू वही रह रही है, जिसकी वजह से सेकंड रीजन के अंदर जो वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड रहेगी, जिससे अर्थ ये निकल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, रुका हुआ है, ठीक है, यानी वेलोसिटी 0 है। थर्ड रीजन के अंदर देखेंगे तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वापस 10 माइनस 0 ओवर y2। अब देखो क्या होगा, अब y2 कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है इसकी, इसकी फाइनल, अभी डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो देखो डिस्टेंस होती तो अलग बात थी, अब अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, तो जब किसी दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है तो उसकी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटाई जाती है। दो चीज़ों के बीच जब डिस्टेंस निकाला जाता है तो अपन कैसे भी फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हमेशा अपने को फाइनल में से पहली वाली पोजीशन घटानी होगी। तो अब इसकी फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये y2 की एक्सिस में, y2 यहाँ पर कितना है 0 और ऊपर क्या इतना था 10, तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या है 0, तो y2 कितना होगा अब 0 और y1 कितना होगा 10, x2 कितना होगा 25 माइनस 15, यानी 10/10 कितनी आएगी -1 मीटर पर सेकंड। अब माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू है वो थर्ड रीजन के अंदर माइनस होती जा रही है, क्या होती जा रही है, माइनस होती जा रही है, वैल्यू कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। यानी एक चीज़ और बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जितना इसने इतने साइड कवर किया, थोड़ी देर बाद उसने वही डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कवर किया, जिसकी वजह से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, माइनस में आई। अब इसकी थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं, इसको थीटा एंगल थीटा के साथ डिपेंड करके देखते हैं, इसके साथ रिलेशन बनाते हैं। तो जब एंगल थीटा है इज लेस देन 90 तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर एंगल 0 है, इस पूरे ग्राफ के अंदर एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री एंगल है तो क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। यानी जब भी आपको कुछ ऐसी लाइन दिखे ग्राफ में तो वेलोसिटी वहाँ पे अपने को 0 लिख देनी है। अगर थीटा जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 हो, अब अपने को थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाना है, जो नीचे अपने इसकी रिकमेंडेड एक्सिस है, जो अपनी ये एक्सिस है, इसके साथ हमेशा अपने को एंगल बनाना है। तो इसका थर्ड रीजन का जो एक्स के साथ एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये जो एंगल है इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट्स वाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये जो तीन चीज़ें हैं ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाती है, किसकी, वेलोसिटी की, अपने काम आएगी यही, ठीक है। अब देखो आगे अपन कुछ होश टर्म करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसके, देखो
तीन ग्राफ है अपने पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे तो अपने नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास में पढ़े होंगे आपने, छोटी क्लास में, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आपको ग्राफ बनाने दिए होंगे। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है अपने को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है तीन ग्राफ में से, वो है एक्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद दो ग्राफ और पढ़ने हैं। तो देखो एक चीज़ और देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे अपने पास ये ग्राफ है कुछ, अभी तक तो अपने स्ट्रेट लाइन का करते जा रहे हैं, अभी अपन करते हैं किसका, कर्व का। तो इस कर्व में ये एंगल अपना थीटा, ये यहाँ पे थीटा और ये थीटा, टेंजेंट। जब अपना स्लोप निकालना होगा अपने को तो क्या करना पड़ेगा, जब कर्व होता है कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है तो अपन सीधे करके थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ कर्व शेप में हो तो उसके स्लोप निकालने के लिए अपन उसके अपने को उसके ऊपर एक टेंजेंट खींचना पड़ता है। टेंजेंट खींचना पड़ता है, वही अपन ने यहाँ पे किया है, तीन टेंजेंट खींची है। अब तीनों टेंजेंट के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा डिपेंड करता है किस पे, या जो वेलोसिटी डिपेंड करती है वो किस पे, थीटा। अब थीटा इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन केस आएंगे जब जीरो डिग्री होगा, जीरो से क्या बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा जीरो से, तो क्या होगा, थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऊपर डायरेक्शन में जा रही है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिवली मूव करेगी ऊपर, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक ग्राफ और करते हैं, ये तो हो गया अपना इंक्रीजिंग ग्राफ, एक डिक्रीजिंग ग्राफ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो अपनी टेंजेंट होगा वो ये होगा ये थीटा, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा या नहीं होगा, एक टेंजेंट ये खींचा है, एक टेंजेंट ये खींचा है। अब इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, ये जो इसके बिल्कुल पास है ये थीटा क्या है, इस थीटा से बड़ा है या नहीं है, यानी थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, आगे जाएगा तो और कम होगी, यानी थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। थीटा इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे समझ में, ये बनते हैं ग्राफ अपने। आगे देखो एक्सीलरेशन डिपेंडेंसी, देखो क्या होती है। अब कुछ ग्राफ आएंगे आपके जिसके अंदर आपको क्या करना है कि एक ग्राफ दे देगा आपको, उसके सिमिलर ग्राफ पूछेगा, कि चार ऑप्शन दे देगा एक ग्राफ देके कि इसके सिमिलर ग्राफ बताओ, इन चार ऑप्शन में इसके सिमिलर ग्राफ कौन सा है, तो वो देखो कैसे निकालना होगा अपने का। एक्सीलरेशन भी क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अपर डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो दो तीन कंडीशन है वो भी याद कर लो। एक्सीलरेशन की कंडीशन देख लो कि अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल, बोल दे या कोई कर्व डाइन कर्व डाउनवर्ड, तब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर कर्व ऊपर हो अपवर्ड तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन दो टर्म याद रखना, ठीक है, अपन यूज करेंगे अभी इसको।
अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर कुछ कॉन्ट्रास्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास चीज़ें आएगी अपने पास। देखो कैसे होगा, जैसे अपने पास ग्राफ है, ये टी एस। अब बताओ इसके अंदर एक्सीलरेशन कैसा होगा, वेलोसिटी कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी। तो देखो कर्व है वो अपवर्ड है, कर्व कैसा है अपवर्ड। तो अपने अभी किया कि कर्व अपवर्ड होगा तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। अब खींचो क्या, एंगल बनाओ, एक तो ये एंगल बना थीटा, ये कैसे एंगल बनेगा, ठीक है, आगे एंगल बनता जाएगा। एक तो ये एंगल बना थीटा, एक जब यहाँ से खींचेंगे तो ये एंगल बनेगा थीटा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। एंगल इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखो कि एक टर्म हो जाती है इसके अंदर, वो होती है स्पीड की। किसकी, स्पीड की। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन सेम हो, दोनों के साइन सेम हो तो स्पीड बढ़ेगी। अगर दोनों के साइज अपोजिट हो तो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे साइन क्या है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के सेम है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी। अब वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे अपन करके है। वेलोसिटी दिखाती है क्या, उसका वेलोसिटी दिखाती है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर उसकी स्पीड बढ़ रही है, किस डायरेक्शन के अंदर वो फास्ट मूव कर रहा है, किसके अंदर नहीं। लेकिन जो स्पीड है वो सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना धीरे है। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी चाहे वो फास्ट मूव कर रहा हो, ठीक है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली उसने खुद की तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी वेलोसिटी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी सिर्फ एक चीज़ नहीं बताती कि वो कितना जल्दी जा रहा है, कितना धीरे जा रहा है। वेलोसिटी ये भी बताती है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन स्पीड जो है वो क्या बताती है, सिर्फ वेलोसिटी सिर्फ क्या बताती है, ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितने धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्शन के रेफरेंस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्पीड क्या बताएगी कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। अगर दोनों के साइन सेम है तो वो क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज होगी। अगर दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या होगा, दोनों की क्या होगी, स्पीड है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो आगे, आगे है एक ऐसी देखते हैं अपन जिसके अंदर डिक्रीज वाला सिस्टम है। देखो क्या है, अगर ये ग्राफ हो, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड बनेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन थीटा क्या है, थीटा कैसा है, यहाँ पे कितना था, ज़्यादा था, यहाँ पे क्या आके क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे आके क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, थीटा कम हुआ तो वेलोसिटी की क्या होगी, थीटा डिक्रीज किया है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, दोनों के साइन क्या है, सेम है, साइन सेम है तो स्पीड भी क्या करेगी,
इंक्रीज करेगी। आगे समझ में? आगे देखो, आगे कुछ ऐसे ग्राफ बनाने हैं अपने को जिसके अंदर क्या हो, इसका देख लो एक बार। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे था थीटा, यहाँ पे थीटा हो गया। देखो मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। जैसे अब ये ग्राफ है, यहाँ पे वैल्यू किसकी होगी, थीटा की। इतनी यहाँ पे वैल्यू देखोगे थीटा की तो क्या होगी, ये होगी या नहीं होगी। अब ग्राफ कैसा है अपना, अपवर्ड, अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा क्या है, डिक्रीजिंग है। थीटा कैसा है, भाई डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो गया, वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा आधे के बाद। थीटा डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी क्या होगी, भी डिक्रीजिंग होगी। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के साइन कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन होके तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये था अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो, यही था मैं कुछ एक्सपेंड करके बताया है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जल्दी करेंगे अपन थोड़ा, ठीक है, टाइम लिमिटेड होने की वजह से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो क्या होता है, कि अगर ये अपने पास वेलोसिटी है, इस साइड अपने टाइम लिया है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसे होगा, इसका जो एंगल है वो कैसा बना है इसने, थीटा, ठीक है। इसका स्लोप निकालोगे कैसे निकलेगा, वी टू माइनस वी वन ओवर टी टू माइनस टी वन। यहाँ पे अगर स्लोप निकालते हो, ठीक है, तो वी टू, ठीक है, इतने एंगल का स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, वी टू माइनस वी वन टी टू माइनस टी वन, यानी इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए डी वाई डी वी ओवर डी टी। और ये जो डी वी ओवर डी टी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं क्या, यानी वापस पहली और सेकेंड से क्या हो रहा है, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को। यानी इसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, तो किसकी वैल्यू निकाल दोगे, एक्सीलरेशन की। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्क्राइबिंग द टर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। आगे एक चीज और देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, ये वाला, नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास में देखा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ट्रायंगल जो भी शेप बनती है उसका जो एरिया होता है, पॉजिटिव एक्सिस के लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लो, वो किसको शो करता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करती है डिस्प्लेसमेंट, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। आगे समझ में, कैसे करती है वो देख लेना, देख मतलब निकाल के देखना एक बार, ट्राई करना, बाकी नहीं पता तो एक बार बुक में देखना, सिंपल टर्म है पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब देख लो, जैसे अपने पास दस पाँच पंद्रह, अब इसका क्या पूछेगा, पहले ये वेलोसिटी वैल्यू है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू है, अगर यहाँ पे स्लोप पूछे पहले रीजन का, पहले रीजन में पूछे एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, वही v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1।
पहले रीजन के अंदर V2 कितना है 10 और V1 0, 10 माइनस 0, T2 कितना है 5, यहाँ पे 0, 5 माइनस 0, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि ग्राफ क्या जा रहा है, एक लाइन के अलोंग जा रहा है। अब बोले कि एरिया निकालो यानी डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एरिया निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई इसका, हाफ इंटू 5 इंटू 10 कितना आ गया 25, तो इसका हो गया या नहीं हो गया। तो इस फर्स्ट रीजन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, वो 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में, ये था अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका स्लोप शो करता है एक्सीलरेशन को और जिसका एरिया शो करता है कवर डिस्प्लेसमेंट क्या हो या डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट को। अब लास्ट जो अपना है इम्पोर्टेंट है अपने थ्योरी के हिसाब से, वैसे क्वेश्चन कम आते हैं इस पर, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सीलरेशन इस साइड, यहाँ पे टाइम, इसका स्लोप, इसका स्लोप निकालोगे तो वापस कैसे बनेगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप निकालो थीटा, स्लोप निकलेगा कैसे, ए टू माइनस ए वन ओवर टी टू माइनस टी वन, या इसको लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी ए ओवर डी टी, यानी एक्सीलरेशन की डेरिवेटिव फॉर्म। और एक्सीलरेशन की जो डेरिवेटिव फॉर्म होती है उसको बोलते हैं जर्क, डिनोट करते हैं स्मॉल जे से, क्या होता है डी ए ओवर डी टी, या इसको क्या बोलते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तीन फॉर्म होती है डी ए ओवर डी टी, या वेलोसिटी का सेकंड डेरिवेटिव, या अपने पोजीशन का डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। इम्पोर्टेंट ये, कई बार क्वेश्चन आता है कि पोजीशन का थर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसे बोलते हैं जर्क या जोल्ट, कई जगह जोल्ट भी यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है ना क्वेश्चन में अभी तक आया है आज तक, लेकिन फिर भी ना बुक के अंदर इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन, ऐसे कोई वर्ड है इंग्लिश डिफाइंड वर्ड है जो इसकी डेफिनेशन बता सके, ठीक है, एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है, सिंपल मीनिंग है इसका, ना कहीं पे बुक में इसमें मीनिंग भी नहीं लिखा होता, ठीक है, तो वो बताएंगे। देखो एक बार, पहले इसका जो एरिया, और इसका जो एरिया होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो शो करता है चेंज इन वेलोसिटी। तो कहीं पे भी क्या हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आए तो वहीं पे हमेशा चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा, उसका स्लोप कभी नहीं पूछता। अब जर्क देख लो क्या होता है, ये अपना इतना ही था, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ यही पूछेगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो एरिया निकाल देना, यहाँ पे ए की और टी की वैल्यू लगी। अब देखो जर्क क्या होता है, जर्क देखो क्या होता है, जर्क का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन के अंदर डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन का चेंज होना, ठीक है, एक्सीलरेशन का डिक्रीज करना या कम होना, जर्क का मतलब होता है एक्सीलरेशन के अंदर चेंज होना, ठीक है। जैसे अगर अपन थोड़ा सा टाइम फॉर थोड़े से टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं उसको इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, बिल्कुल शॉर्ट टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आता है और ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। जैसे इम्पल्स का कई बार साइड इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट का मतलब उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, इम्पल्स अगर अचानक कोई मसल के अंदर इम्पल्स आता है, कई बार जो अपन अपनी जो एंटागोनिक मसल्स होती है उनके अंदर कई बार इम्पल्स आ जाता है हल्का सा, कहीं पे रक्त दबने से या कोई नाड़ी दबने से क्या होता है, इम्पल्स पैदा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दर्द पैदा होता है, ठीक है। यानी हमेशा इस चीज़ का क्या होता है, अलग एक ख़राब इफेक्ट होता है इम्पल्स का, अपनी बात करें तो, ठीक है, अचानक, क्योंकि वो अचानक प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही होता है सर्ग, सर्ग होता है जब इलेक्ट्रिक करंट है वो अचानक फ्लो करने से हाई वोल्टेज में चला जाए, उसको बोलते हैं सर्ग। वैसे ही होता है जर्क, जर्क बोलते हैं कि जब एक्सीलरेशन क्या हो, अचानक